प्रेज गॉड, गुड मॉर्निंग। ये नया महीना शुरू हो गया, मार्च पहला तारीख है और फरवरी में परमेश्वर ने हमें संभाला। इस साल का दो महीने बीत गया, नया महीने में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने मदद किया। मार्च, आपको मालूम है, इस महीने हम पवित्र आत्मा की एक उंडेलने का, होली स्पिरिट आउटपोरिंग का फास्टिंग रख रहा है। 4 तारीख से लेकर हम 24 तक 21 दिन उपवास प्रार्थना में जाएंगे। मेरा अनुरोध है सबसे, ये समय महत्वपूर्ण समय है, सीजन बदलने का समय है। परमेश्वर आपका जीवन में, हम सबका जीवन में कुछ नया कार्य, बीते हुए दिनों में परमेश्वर ने हमसे वायदा किया था, भारत में एक बहुत बड़ा जागृति रिवाइवल आएंगे। हम काफ़ी समय से ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु एक आउटपोरिंग, पवित्र आत्मा की एक उंडेलने की अवस्था देश में हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रिवाइवल का विषय में हम एक व्यक्ति नहीं, हजारों लोग परमेश्वर से दर्शन पाया, परमेश्वर से सुना है, हजारों लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं, जगह जगह पीपल आर प्रेइंग फॉर ए ग्रेट रिवाइवल इन दिस नेशन एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पूरा विश्व भर में एक रिवाइवल, मेरा विश्वास है उस रिवाइवल का समय आ गया है, सीजन बदलने का समय और परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का समय आ पहुंचा है। एक दिन हमसे किसी ने पूछा है, आपने सुना है वेदारी भारत में आएगा, उसमें सुना है? मैंने बोला हाँ, मैंने सुना था। परमेश्वर ने एक वजन से मुझसे बात किया था, वो आपसे बात करके हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। दूसरा राजा, उसका 7वीं अध्याय, उसका 1:2 में लिखा है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सया भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सया जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के जरोखा खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। मेरा प्रियो, ये वचन से प्रभु ने मुझसे बात किया। प्रभु ने मुझे बोला है, भारत में एक जागृति, एक रिवाइवल आएंगे, और उस समय परमेश्वर ने ये वचन से मुझसे बात किया। परमेश्वर ने बोला, सबको बोलो ये एक रिवाइवल देश में आना। रिवाइवल का मतलब हम समझ लेना, रिवाइवल के लिए बहुत सारे लोग ऐसे ही बातें, बहुत सारी बातें उनका एक्सप्लेनेशन में हो सकते। मेरा निर्वचन, मेरा विश्वास यही है, आदि में परमेश्वर ने आदम और ईव को एदन में बनाया, एदन वाटिका में बनाकर रखा। परमेश्वर ने आदम को पूरा अधिकार देकर बनाया, बोला है तुम राज करना है, सारे पृथ्वी के ऊपर राज करने के लिए आदम को परमेश्वर ने रखा था, पशु पक्षी जानवर और सबके ऊपर तू अधिकार रखे, डोमेन ओवर द अर्थ। तो आदम जब परमेश्वर की बात की, उल्लंघन किया, जब ना खाने के लिए जो मना किया, वह वृक्ष का फल उसने खा लिया, ज्ञान और बुद्धि का, जो बुराई और भलाई को चुनने का, जो समझने का, वो वृक्ष का फल तो उसने खाया। तो हुआ क्या, शैतान बहकाकर ये करने के कारण आदम का पास से वो अधिकार शैतान छीन लिया, आदम गुलाम बन गया। और उसका समय परमेश्वर का साथ, परमेश्वर ने बोला जिस दिन वो खाएगा उस दिन तुम मर जाएगा। परमेश्वर का साथ आदम का रिश्ता टूट गया, आदम को परमेश्वर ने एदन वाटिका से बाहर किया। एदन का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का जगह, एदन से परमेश्वर आदम को बाहर कर दिया। फिर आदम अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत, अपना बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उसके ऊपर श्राप दिया, आदम को और हवा को और सांप को और परमेश्वर पृथ्वी को श्राप। परमेश्वर ने आदम को बोला तो पसीना बहा बहा कर रोटी खाएगा, स्त्री से बोला तू दर्द का साथ, पीड़ा का साथ तुम बच्चों को जन्म देगा।
और इन सारी बातों में इंसान परमेश्वर के उस आशीष से वंचित हो गया था। मेरा प्रियो, आज से 2000 साल पहले आखिरी आदम परमेश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मानव के रूप में आया। श्राप में, पाप में, गुलामी में पड़े हुए इंसान को शैतान की गुलामी से आजाद करने के लिए यीशु मसीह पाप रहित होकर इस जगत में आया और पाप की प्रायश्चित के लिए पूरा मानव की पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को देकर कहा, देखो जगत की पापों को उठा लेने वाला परमेश्वर का मेमना आ रहा है। यीशु मसीह मानव की पापों का मुक्ति के लिए इस जगत में आया। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह शैतान को क्रूस पर कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाकर उसके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाए, पाप के ऊपर जय पा लिया, शैतान को हरा दिया और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरकर खत्म नहीं हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को बार बार प्रकट होकर कहा, परमेश्वर का राज्य, और यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार अब मुझे दिया गया, अब तुम जाओ, बीमारों को चंगा करो, अंधों को आंखें दो, दुष्टात्मा को निकालो, मुर्दों को जिलाओ, और तुम पृथ्वी में फिर से परमेश्वर का राज्य को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को यीशु मसीह का लहू से खरीदा हुआ चेलों को और कलीसिया को प्रभु ने अधिकार दिया। मैं विश्वास करता हूँ रिवाइवल का मतलब रिस्टोरेशन, पहले जो था उसमें रिवाइव कर रहा है फिर से वो लेवल पर। आप और मैं गुलाम बनकर जीने के लिए नहीं, शैतान का और पाप का गुलाम बनकर जीने के लिए नहीं, पाप के ऊपर जय पाने के लिए, शैतान के ऊपर जय पाने के लिए, और इस संसार में प्रभु का बच्चा बनकर परमेश्वर की बच्चा और अधिकारी के रूप में इस पृथ्वी में राज करें। और उसके लिए हमारा जीवन में हम अपनी ताकत से तो नहीं कर सकता, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा एक सहाय को भेज दूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा, वो आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। मेरा प्रियो, यही बातें पेंतेकोस्त का दिन में ऊपरी कोठरी में 120 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा से सब लोग भर गया, अन्य अन्य भाषा बोलने लग गया। उस दिन पत्रोस खड़े होकर प्रचार किया, उस दिन लगभग 3000 लोग उद्धार पाए। कलीसिया का शुरुआत, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जय पाया और कलीसिया को परमेश्वर ने दिया अधिकार में, फिर पत्रोस यूहन्ना सब चलने लग गया। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं सुंदर नामक आराधनालयों में पत्रोस और यूहन्ना जा रहा है, लंगड़ा व्यक्ति बैठे हुए। ये पत्रोस ने कहा, सोना चांदी हमारा पास नहीं है, हमारा पास जो है हमें देख। उसने देखा है, बोला है, यीशु नासरी का नाम से खड़े हो जाओ। 40 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति था, लंगड़ा, कभी चला नहीं होगा, लेकिन उससे क्षण वो खड़ा हो गया। मेरा प्रियो, अधिकार खोया हुआ इंसान, गुलामी में जीने वाला इंसान को परमेश्वर फिर से अधिकारी बनाया, सांप और बिच्छुओं को रौंदने के लिए अधिकार का साथ। प्रभु, आपको और मुझे परमेश्वर ने इस पीढ़ी में अधिकार के साथ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। रिवाइवल का मतलब रिस्टोरेशन है, आप गुलाम नहीं है, पवित्र आत्मा का एक आउटपोरिंग आ जाएगा, ये सारी बातें होगा। पेंतेकोस्त का दिन में वही हुआ। तो मेरा प्रार्थना यही है, मेरा विश्वास भी यही है, अंतिम समय पर परमेश्वर का वचन है, हर प्राणियों के ऊपर में अपनी आत्मा उंडेल देंगे, तुम्हारा बच्चा भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णिया सपना देखेंगे। मेरा प्रियो, विश्वास करें, ये अंतिम समय की अंतिम खड़ी पे हम आ गया है, एक बहुत बड़ा आउटपोरिंग का समय है, पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा एक हमें उंडेलने का समय। आप विश्वास करें, उसके लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। कोई भी नाश होना परमेश्वर नहीं चाहते, और सब लोग
अपनी बुरी आदतों से मन फिराने के लिए। हमारी ताकत से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर आपको और मुझे बल देगा और इस समय वो आउटपोरिंग में, इस समय रिवाइवल के बारे में जब सोचते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में हुआ है, अब भारत का समय है। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और इस सुबहवास प्रार्थना में ज़रूर आप अटेंड करें, या ऑनलाइन में अटेंड करें या यहाँ पर आकर। पवित्र आत्मा आपको मदद करे। आई बिलीव दैट दिस 21 डेज ऑफ फास्टिंग प्रेयर विल बी ए ग्रेट ब्लेसिंग फॉर योर लाइफ। आपको और हम सबको परमेश्वर बहुत आज से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।